हम अपनी असाइनमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं कोरल ड्रा की। तो इसमें सबसे पहले आपने न्यू पेज ओपन करना, ये आपकी फाइनल एग्जाम के लिए जो असाइनमेंट्स हमने फाइनल किए हैं वही इसमें आप करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेक्टेंगल टूल से आपने पेज ड्रा करना है, 8.5x11, ठीक है। इसको पी प्रेस करके सेंट्रलाइज कर देना। अच्छा, हम लोग कर रहे हैं डिफरेंट हाउ टू इम्पोर्ट एन इमेज टू कोरल ड्रा। तो वो टेक्निक यूज़ करते हुए हमने एक कोलाज टाइप इमेज सा डिज़ाइन करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले इम्पोर्ट करने के लिए आप फाइल में जाएंगे और ये इम्पोर्ट का ऑप्शन है जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+I, ठीक है। आप यहाँ से भी खोल सकते हैं और Ctrl+I अपने की पैड से प्रेस करेंगे तो ये Ctrl+I से आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। यहाँ से इमेजेस आप देख लें जहाँ पे भी पड़े हुए हैं वहाँ से आपने, जैसे मेरे फोल्डर में इमेजेस किसी भी टॉपिक पे मैं लेना चाह रहा हूँ। आप अपनी पिक्चर्स के साथ भी खेल सकते हैं, डिफरेंट इमेजेस कोई कार्स की ले सकते हैं, कुछ फैशन रिलेटेड ले सकते हैं, कोई भी एक टॉपिक फाइनल कर लें तो उस पर आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं, ये इवेंट की पिक्चर्स हैं तो मेरे पास मैक्सिमम मेरे ख्याल में 7 पिक्चर्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, मैं ये सारी इम्पोर्ट करता हूँ। लेकिन ये 10, 15, 20 कुछ भी हो सकती है नंबर ऑफ पिक्चर्स। तो ये वन बाय वन आप इम्पोर्ट करते जाएंगे इसमें, ठीक है। अब किसी इमेज का साइज़ बड़ा है किसी का छोटा है वो इनकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है हर इमेज की। किसी की रेजोल्यूशन अच्छी है, किसी की रेजोल्यूशन वीक है, तो वो डिपेंड करता है। जैसे बहुत छोटे इमेजेस हैं तो इनकी रेजोल्यूशन बहुत वीक, तो इनकी एडजस्टमेंट इन सब पिक्चर्स की मैंने करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अगर ये इमेज है मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। थोड़ा साइज रिड्यूस कर लिया। इसके लिए हम लोग जो टूल यूज़ कर रहे हैं वो इस पर राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप इनसाइड करेंगे। एक बोल्ड सा एरो आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना, तो ये आपका इमेज जो है इस पेज के अंदर इंसर्ट हो गया। अच्छा, इसकी एडिटिंग करने के लिए इसी पेज पर राइट क्लिक करेंगे और एडिट पावर क्लिप पे जब चले जाएंगे, ये 1, 2, 3, 4th नंबर पे ऑप्शन है, ठीक है। ये हम पेज के अंदर आ गए, अब इसकी एडजस्टमेंट कर लें आप, ठीक है। ये एडजस्ट कर लिए क्योंकि यहाँ से ये कट शेप में आया हुआ था, तो यहाँ पे हमने टॉप पे इसको एडजस्ट कर लिए। अब इसके बाद वाले इमेजेस जो हैं ये आप देख लें, इसको थोड़ा सा वन टाइम सेलेक्ट करके रोटेट करते हैं कंट्रोल प्रेस करके, तो ये अपनी फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं लेता हूँ ये इमेज, ये इमेज और ये इमेज। हम तीनों को एक साथ सिलेक्शन करके राइट क्लिक पावर क्लिप इनसाइड करके ये इंसर्ट कर देंगे पेज में, ठीक है। ये मैं ले आया पेज के अंदर स्क्रिप्चर। अच्छा, अब इसका एडजस्टमेंट आप कैसे करेंगे, असल में ज़रूरी नहीं आप स्ट्रेट रखें, इसको वन टाइम क्लिक करें ये रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरा इमेज ले आया, इसको भी मैं अपोजिट साइड पे रोटेट कर लेता हूँ। ये हमारा जो थर्ड इमेज है इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाएगा इसमें। राइट क्लिक फिनिश एडिटिंग डिस्प्ले, ये आपका पेज ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया। अब देखें, ये एक इमेज है आपके पास, ये ऑटोमेटिकली जहाँ पे हम लोग सेट करेंगे इसे ये वहाँ पे सेट आ जाएगा। पावर क्लिप इनसाइड, राइट क्लिक एडिट पावर क्लिप। अच्छा, इमेज को पेज डाउन करने के लिए या नीचे लेके जाने के लिए शिफ्ट पेज डाउन प्रेस करेंगे तो ये इमेज इन पिक्चर्स के नीचे चलाएगी, ठीक है। राइट क्लिक फिनिश एडिटिंग दिस लेवल। अब ये एरिया हमारे पास बचा हुआ है जिसमें हमारे पास अब दो इमेजेस हैं, तो इन दोनों को यूज़ कर लेते हैं हम लोग। चाहें तो ये एक भी यूज़ हो सकता है, लेकिन चलें मैक्सिमम जितनी पिक्चर्स यूज़ होती हैं हम कोशिश करते हैं यूज़ कर लें। इन दोनों को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक पावर क्लिप इनसाइड, ये एडिट पावर क्लिप, और ये आप इसको सेट कर लें, ठीक है। एक इमेज यहाँ पे आ जाएगा आपका, रोटेट करना चाहते हैं इसको भी रोटेट कर लें आप, ठीक है। एक इमेज ये है आपके पास,
ये शिफ्ट पेज डाउन कर लें आप इसको, और फिर कंट्रोल पेज अप करें तो ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर आता है। ठीक है, इसको रोटेट करना चाहें तो इसको भी आप रोटेट कर लें। तो ये ऑलमोस्ट आपका इमेज सारा फिल हो गया। राइट क्लिक करें, फिनिश एडिटिंग दिस पर ओके। F4 प्रेस करें, क्रॉस पीस के आउटलाइन मैं स्किप कर देता हूँ और